दोस्तों, यदि हम यह बात करें कि दिल्ली में एक पटेल नगर है, तो आप में से कई लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि दिल्ली के पटेल नगर का आखिर का इतिहास क्या है? कैसे पड़ा इस जगह का नाम पटेल नगर? चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं हम आपको। दिल्ली के अन्य क्षेत्रों की तरह पटेल नगर का नाम एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राजनेता के नाम से जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पटेल नगर पश्चिमी दिल्ली के 3 उपजिलों से एक और इसे वाणिज्यिक स्व आवासीय परिसर के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वी पटेल, न्यू रंजीत नगर, वेस्ट पटेल, साउथ पटेल के नाम से जाना जाता है। नगर में अलग अलग कॉलोनियों में बंटा हुआ है। यह पड़ोसी क्षेत्रों के करीब स्थित राजेंद्र नगर, पुराना राजेंद्र नगर, प्रसाद नगर, उषा रोड, राजेंद्र प्लेस और सादीपुर से जुड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया था, जबकि लाजपत नगर, राजेंद्र प्रसाद, मालवीय नगर, कमल नगर या लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद के नाम पे रखा गया था। पटेल नगर का नाम स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे रखा गया, जो सादीपुर जैसे आसपास के गांवों को स्थानीय लोगों से अधिग्रहित भूमि को विकसित किया गया, जिन्हें यह सिखाया गया कि किस तरह से किसानी करके वो अपने जीवन शैली को व्यतीत कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले जगहों पे हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या रहती है।